हेलो फ्रेंड, मैं हूं मानिक मंडोल। मैं लैपटॉप डेस्कटॉप एंड फोन का टेक्नीशियन हूं। तो गाइज देखिए, मेरे पास एक फोन आया है, ये रियलमी 2 का फोन है। इसमें जो प्रॉब्लम है, देखिए ये सिम जो है सिम सपोर्ट नहीं करता है। देखिए हम सिम कार्ड को लगाया है, लेकिन देखिए क्रॉस जो है, देखिए एकदम क्रॉस आया है। सिम कार्ड लगाए हैं फिर भी ऐसे ही प्रॉब्लम है। तो गाइस इसको कैसे सुन, देखिए हम सिम कार्ड लगाए हैं। तो गाइस हम दोबारा रिमूव करके वह दोबारा लगाता हूँ। देखिए ये मेरा सिम कार्ड है, BSNL का है। देखिए गाइस, हम फोन को रिस्टार्ट भी करता हूँ फिर भी देखिए इसमें कोई सिम कार्ड शो नहीं हो रहा है। सेटिंग में जा रही डुअल सिम, कोई सिम कार्ड नहीं शो हो रही, ये प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे सोल्यूशन करता है आज आप लोगों को बताऊंगा। ये जो मॉडल है ये रियलमी 2 का मॉडल है। पहले से हम बैग को ओपन करके रखा है, तो अभी सिम ट्रे को निकालना है। उसके बाद में फोन को बंद करता हूँ। एक बार चेक, फर्स्ट टाइम जो चेक करना है जहाँ पर सिम ट्रे लगता है उसको देखना है, जो सप्लाई आना चाहिए वो बन रही है नहीं बन रही है। तो गाइस साइड से आपको ओपन करना पड़ेगा। देखिए ये है मेरा सिम ट्रे का पार्ट है। तो हम जो सिम को अंदर है इसको एक बार रिडीन लेऊंगा, ठीक है। और हम स्कीमेटिक डायग्राम में देखूंगा ये सप्लाई कहाँ से देता है, कौन सा पिन में कौन कौन सप्लाई बंद है, वो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो गाइस ये जो सिम ट्रे है, सिम ट्रे का 6 पिन होता है। एक तो होता है ग्राउंड और एक पिन NC होता है। कभी कभी वो पिन भी सिम के साथ कनेक्ट होता है, और एक रीसेट डेटा और क्लॉक, ये 6 पिन है। एक तो ग्राउंड है, एक NC पिन है, और एक डेटा पिन है, एक रीसेट क्लॉक और VSIM है। तो हमारा जो है NC पिन में कोई वैल्यू नहीं आएगा, और ग्राउंड में तो ग्राउंड ही है, और रीसेट डेटा और क्लॉक तीनों में सेम वैल्यू आएगा आपको कूल टेस्टिंग में। हम अभी दिखाता हूँ आपको सिम ट्रे का जो कनेक्शन है ठीक ठीक होने नहीं है। देखिए इसमें 511 आया है, और देखिए इसमें 569 है, और ये जो है इसमें आया है 670 है। मतलब तीन पिन में सेम वैल्यू आएगा। देखिए हमारा तीन पिन में से, देखिए ग्राउंड को सेट, देखिए हमारा जो तीन पिन में सेम वैल्यू, एक पिन में ज्यादा वैल्यू आएगा, और एक पिन तो देखिए इसमें नो कनेक्शन और इसमें ग्राउंड है। देखिए ये जो सिम ट्रे का स्लॉट है एकदम सही है। हम दूसरा में चेक करता हूँ, देखिए 509, 570, 69, 71, 72, ये ग्राउंड है। देखिए हमारा जो कनेक्शन है एकदम बिल्कुल सही है। हो सकता है ये जो VSIM है, VSIM का जो उसमें तो सप्लाई आ रही है, तो जो IC से ये सप्लाई आ रही है वो सप्लाई बन रही है नहीं बन रही मुझे मालूम नहीं है। लेकिन कहाँ से ये सप्लाई आ रही है हमको स्कीमेटिक डायग्राम देखना है, उसको बाद में
वो कौन सा कंपोनेंट होके आ रही है उसको चेक करना है, जो हमारा सप्लाई बन रही है ना नहीं बन रही है। तो गाइस देखिए, ये जो भी सिम का जो पावर आ रही है, ये जो आईसी है यहाँ से आ रही है। एक ये दो रजिस्टर यूज हुआ है, उसके बाद जो सप्लाई कहाँ पर है देखिए, इसमें एक कॉयल यूज हुआ है, इसमें कॉयल नहीं ये रजिस्टर है, और इस साइड में कॉयल है, रजिस्टर इस इन साइड से, और एक कैपेसिटर भी यूज हुआ है। ये सप्लाई देखिए, ये VRS L115 और 14, ये जो सप्लाई आ रही है देखिए, 15 जो सप्लाई है इसी रजिस्टर होके कॉयल है, उसके बाद में एक रजिस्टर लगा है, उसके बाद में सिम सिम का पिन नंबर पे जा रही है जाता है, और एक सप्लाई है VRS L14 है, इसको सप्लाई देखिए, इसको जो सप्लाई, ये दूसरा एक रजिस्टर यूज हुआ है, और एक कैपेसिटर भी यूज हुआ है देखिए, और एक कॉयल भी सॉरी डायोड भी यूज हुआ है, उसके बाद में देखिए इसी पिन पे आ रही है। तो हम गाइस देखिए फोन में हम चेक करता हूँ ये सप्लाई बन रही है ना नहीं बन रही है। तो गाइस हम बोर्ड से सॉरी फ्रेम से बोर्ड अलग कर दिया, उसके बाद ओनली बैटरी लगाया है देखिए, और ये हमारा एसी साइड में ऑन ऑफ स्विच है। एक चीज है आप लोगों को एक कंफर्म बात है, देखिए आपको सप्लाई भी चेक करके दिखाता हूँ, देखिए हम बैटरी लगाया है, और हम एक कंफर्म हो सकता है एक चीज है, देखिए हमारा फोन ऑन हुआ ना नहीं हुआ, देखिए हमारा जो सप्लाई देखिए ये है ऑन पॉइंट, सॉरी आपको थोड़ा क्लीन से हम दिखा रही है, ये देखिए 1.82 है ठीक है, और ये वॉल्यूम अप और डाउन है। देखिए आप में विदाउट ऑन में सप्लाई बन रही है, और डाउन में देखिए कोई सप्लाई नहीं बन रही, लेकिन हम इसको ऑन करता हूँ देखिए मेरा जो फोन ऑन हो गया। तो गाइस देखिए हमारा फोन ऑन हुआ नहीं हुआ, देखिए देखिए वॉल्यूम डाउन पे देखिए हमारा जो सप्लाई बन रहा है, मतलब मेरा फोन ऑन हो गया। तो अभी जो है मेरा जो है सप्लाई इसी में बन रही ने नहीं बन रही वो अभी आप लोगों को दिखाना है। तो गाइस देखिए हम एक प्रो को ग्राउंड में रखा है, और अभी सप्लाई हम चेक करना है, ये जो है कॉयल है देखिए, कोई सप्लाई देखिए बन नहीं बन रही, कोई सप्लाई नहीं आ रही। हम डायोड पे भी रखते हो देखिए, कोई सप्लाई नहीं बन रही, और एक सप्लाई है वो बनता है नहीं नहीं बनता है देखना है, इसका कोई सप्लाई नहीं बन रही है, मतलब हमारा जो सिम का जो ट्रे है इसको सप्लाई मिसिंग है। हमारा सीपीयू से जो डेटा क्लॉक जो सब रीसेट जो भी सप्लाई आ रही है, बाकी जो सप्लाई वो सीपीयू से आता है वो बिल्कुल सही है, इसलिए सही है हम रीडिंग चेक किया है। तो हम भी सिम का जो सप्लाई वो मिसिंग है, वो कहाँ से कौन आईसी से सप्लाई दिया है अभी वो आईसी को देखना है, वहां से वो सप्लाई बन रही है नहीं बन रही। तो गाइस देखिए ये जो सप्लाई है ये सप्लाई जाता है वो सिम ट्रे का जो भी सिम जो पॉइंट है उसमें जाता है, जो VRS लिख के जो सप्लाई है। तो एक काम करना है, फर्स्ट टाइम जो है हमारा ई आईसी को थोड़ा रीसोल्व करना है, मतलब रिबोलिंग जो बोलता है रिबोलिंग, हम पहले ओपन करके नहीं करूंगा, थोड़ा सा पीपी पेस्ट डाल के उसको बाद में थोड़ा 340 में और AR30 तक आप देके थोड़ा सा हीट दूंगा। लेकिन अभी और एक चीज दिखाता हूँ देखिए, ये हमारा सिम कार्ड का जो सप्लाई है देखिए, ये जो आईसी है यह से ये देखिए VRS L15 VRS L14 ये सप्लाई जाता है सिम
1 2 मतलब दो सिम यूज हुआ है इसलिए दोनों में सप्लाई ये जाता है। देखिए आप लोगों को दिखाता हूँ, इसमें जाता है देखिए इसी कॉइल में। तो गाइस हम अभी बोर्ड में जाता हूँ। तो देखिए ये जो आईसी है ये आईसी सप्लाई देता है, इतना भी देखिए ये वाला आईसी है, ये आईसी सप्लाई देता है। तो हम ये आईसी का नंबर आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा हम ए PM8953 का आईसी है, ए PM8953 जो पावर आईसी देता है बोर्ड में। तो हम थोड़ा सा पेस्ट लगा के आईसी को थोड़ा हीट दूंगा। तो गाइस देखिए आप ज्यादा टाइम नहीं देना है, तो गाइस देखिए आपको 40 सेकेंड तक आपको हीट देना है आईसी को। इसके बाद में आपको थोड़ा सा क्लीन करना है और उसके बाद में थोड़ा फिर से बोर्ड को हीट थोड़ा सा जो थिनर है उसको सुखाना है राइट देखे। इसको बाद में ये देखिए एक हीट सिन का यूज हुआ है, इसको हम फिर दोबारा लगाना है, इसके ऊपर हीट से नहीं हुआ। अभी बोर्ड में लगा के देखना है हमारा जो सप्लाई वो बन रही है नहीं बन रही है, हम पहले एक बार चेक करते हैं। देखिए ये जो सिम है सिम को लगाता हूँ, अभी फोन कॉल करता हूँ। देखिए सॉरी गाइस डिस्प्ले ठीक से नहीं लगा है। तो गाइस देखिए मेरा फोन ऑन हो गया, अभी देखना है हमारा सिम वो सपोर्ट ले रहे हैं ना नहीं ले रहे। सपोर्ट लेगा तो 100% नेटवर्क भी आ जाएगा, थोड़ी टाइम वेट करना पड़ेगा ऑन होने के लिए। तो गाइस देखिए मेरा जो है सिम देखिए सपोर्ट ले रही है और नेटवर्क भी आ गया फोन का, देखिए। बैटरी लो है इसलिए थोड़ा लाइट बढ़ा के आपको तो देखा था। देखिए हमारा नेटवर्क भी आ गया और मेरा सिम भी सपोर्ट हो रही है। तो गाइस देखिए जो मेरा जो प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन हो गया। तो गाइस मेरे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज 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 लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करते मत भूलिए। जय हिंद।